अरे बड़े बच्चे अरे कोई नहीं यार मार अरे बड़ा दैया रमेश कुमार's family is devastated, grappling with the loss of their primary provider. The father of four died in a roof collapse at the Delhi airport on Friday. सिर्फ मेरे पापा थे कमाने वाले, अब कर कैसे चलेगा? सबने तो अपना अपना विचार कर दिया कि हाँ ऐसे गिर गए ऐसे गिर गए, जिसने खोया उसको पता नहीं क्या हुआ है, उसके घर पे बीत रही है। बाकी नेता लोग तो बस अपनी झाड़ के चले गए, हाँ ये हुआ था ये बना था जब गिरा है उससे क्या होता है सर, ये तो देखना चाहिए क्या। वो भी टैक्सी थी, उसके भी पैसे भरने थे, जब भी कोई चलाता इंसान तो वो गरीब इंसान ही था, कोई अमीर नहीं था कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके परिवार कर सकता सब कुछ। काफ़ी मेहनतों के बाद ली थी पापा ने गाड़ी, धीरे धीरे करके ले रहे थे। ये गाड़ी क्या किस्तों पे? नहीं ले रहे थे, सेकंड हैंड ली थी। जब ये हादसा जिस दिन की बात है तो आपके पापा कुछ क्या बोल के गए? मैं उस टाइम ना बाहर गई थी अपनी फ्रेंड के घर, उस टाइम भावना थी और दोनों भाई थे घर पे। मैंने ना आपके फ़ोन किया था, मेरे भाई और बहन सो रहे थे, मैंने फ़ोन किया, मैंने सोचा पापा अंदर हैं, तो मैंने फ़ोन किया पापा को 3 बजे करीब दोपहर के, तो पापा कह रहे मैं तो बाहर गाड़ी चलाने चला गया हूँ, अब उनको देख लो वो सो रहे थे। पर उसी टाइम मेरी बात हुई थी लास्ट, उसके बाद नहीं हुई, उसी टाइम मैंने आवाज़ सुनी थी उसके बाद देखा भी नहीं। The car involved in the accident was second hand, adding to the family's ongoing challenge. The body remained in a hospital mortuary for the night before it was taken to his home in Rohini. While public attention may move on, the pain and loss for this family directly affected remains profound and enduring. The question is, will the accountability be fixed and will anything be done to prevent such incidents from happening in the future? With Madan Lal, Zafar Iqbal for Mojo Story.